महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में भाजपा और आरएसएस को बड़ा झटका लगा है। नागपुर सीट पर भाजपा का 58 साल से कब्जा था, कांग्रेस ने भाजपा से यह सीट छीन ली है। नागपुर प्रखंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने भाजपा प्रत्याशी और महापौर संदीप जोशी को हरा दिया है। यही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस यहां से विधायक हैं। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस सीट का कई सालों तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के प्रत्याशी संदीप जोशी को हराते हुए 61,701 मत हासिल किए, जबकि जोशी को 42,791 वोट मिले। जोशी फिलहाल नागपुर शहर के महापौर हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने महाराष्ट्र विधानसभा के नागपुर प्रखंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में भाजपा के संदीप जोशी को 18,910 मतों के अंतर से शुक्रवार को पराजित किया। कांग्रेस उम्मीदवार की इस जीत को भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मतगणना बृहस्पतिवार को शुरू हुई थी और शुक्रवार दोपहर तक जारी रही। जोशी वर्तमान में नागपुर शहर के महापौर हैं। उनकी हार से महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 6 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को सिर्फ एक सीट पर जीत मिल सकी है, जबकि उसके प्रतिद्वंदी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा राकांपा ने शुक्रवार को औरंगाबाद और पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज कर ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सतीश चव्हाण ने औरंगाबाद संभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार शिरीष बोरलकर को मात दी। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि चव्हाण ने 1,16,638 और बोरलकर को 58,743 वोट मिले। वहीं पुणे संभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में राकांपा के अरुण लाड ने भाजपा उम्मीदवार संग्राम देशमुख को 48,824 मतों से मात दी। लाड को 1,22,145 और देशमुख को 73,321 वोट मिले। राज्य में पुणे स्नातक सीट, नागपुर संभाग स्नातक सीट, औरंगाबाद संभाग स्नातक सीट, अमरावती संभाग शिक्षक सीट, पुणे संभाग शिक्षक सीट और धुले नंदूरबार स्थानीय निकाय निर्वाचन सीट के लिए चुनाव हुआ था। इनमें से धुले नंदूरबार सीट इसके निवर्तमान विधान परिषद सदस्य अमरीश पटेल के कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के चलते रिक्त हुई है, जबकि अन्य 5 सीटों के सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा हो चुका है। भाजपा के टिकट पर अमरीश ने धुले नंदूरबार सीट जीत ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।